अभी हम जा रहे हैं सुपर कार के शोरूम और मेरे को कोई और गाड़ी चाहिए यार, मेरे को, मैं बोलूंगा भाई अब दूसरी लेके आएंगे हम। मैं कहूंगा मेरे को कोई 2 करोड़ तक की गाड़ी, और क्या यार इसके मजे ले लिया, अब कोई 2 करोड़ तक की गाड़ी के मुझे लूंगा। गौरव भाई आपकी एसएल के चला ली, चंडीगढ़ गए, बहुत मजा आया, अब मुझे कोई 2 करोड़ की गाड़ी दो। 2 खोके की, 2 बक्से की, 2 बक्सा क्या। Let's go. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत आप सबका मेरे व्लॉग चैनल पर, स्वागत है सुपर कार का। तो गाइस बात ऐसी है, कल गए थे चंडीगढ़ इवेंट में, इवेंट के बाद भाई मेरे को इतनी गंदी नींद आई, कल के व्लॉग में देखा होगा, मैं गाड़ी में एंड में सो गया। इन्होंने मुश्किल से मेरे को उठाया, पहले इस गाड़ी से एक्सयूवी में शिफ्ट करा मुझे, उसके बाद एक्सयूवी से मैं घर कब आया, कैसे सोया मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैं सीधा उठा हूँ सुबह के 8 बजे, वो भी उठाया गया है कि जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, व्लॉग डालना है। तो उठ के फिर मैंने व्लॉग एडिट करा, व्लॉग एडिट करके व्लॉग पोस्ट करा, फिर सो गया मैं 2 घंटे, क्योंकि यार उससे पहले 2 दिन में कंटिन्यूस जागा था। बाकी आप देख सकते हो गाइस सुपर कार में हमारा मस्त एक्सपीरियंस रहा, अभी चलते हैं इसकी ड्राइव पे। सुपर कार का यार भी और मजा उठाते हैं, तो मैं और विनय रेडी हो गए हैं और अभी जाते हैं सुपर कार के मजे लेने के लिए। चल भाई विनय रेडी है तू? मैं तैयार हूँ भाई, चलो। कैसा, तुझे भी मजा आया होगा वैसे तो गाड़ी में? कल जो मैंने स्पोर्ट्स मोड पे पेली थी, कैसा मजा आया? साउंड अलग था लेकिन तेल जो पेली थी उसका मजा अलग था, वो तेरे को पता है। तो गाइस अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, इसको गुड़गांव की जो मेन रोड्स है ना, डीएलएफ वाली, एमजी रोड, इन पे ले जाके इसके आज खूब मजे लूंगा भाई गाड़ी के, क्योंकि देखो सुपर कार का मजा ही है यार, चलाते रहो मजे लेते रहो, चलाते रहो मजे लेते रहो। और गाइस पब्लिक रिएक्शन इतना मिलता है ना ऐसी गाड़ियों को, मतलब हर कोई पलट के देखता है, हर कोई रुक के देखने लग जाता है। अब मैं चंडीगढ़ गया था ना जब, वहां तो मतलब लोग ऐसे हो गए थे, बिल्कुल ऐसे खड़े होकर देखने लग जाते हो, भाई गाड़ी देखो गाड़ी देखो। और ये हाल सिर्फ चंडीगढ़ का ही नहीं है, दिल्ली का, गुड़गांव का, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, हाँ आगे से ले लेंगे ना, मतलब ये हाल यहाँ का नहीं है सिर्फ, चंडीगढ़ का भी है, दिल्ली का भी है, गुड़गांव का भी है। मैं कह रहा हूँ हर जगह सुपर कार को लोग ऐसे देखते हैं ना कि भाई क्या चीज है, और सच में भाई ऐसी फील है, क्या चीज है यार। अब आप खुद देखो भाई, तुम्हारा भाई सुपर कार चला रहा है इस टाइम, मतलब यार मैं भी एक गाँव का लड़का हूँ, गाँव का मिडिल क्लास घर से, मेरा भी सपना था ना बचपन में कि मैं सुपर कार चलाऊंगा, अब देखो पूरा हो रहा है और मैं खुद की सुपर कार भी ले रहा हूँ। तो भाई मेरा भी सपना था बचपन में कि भाई सुपर कार हो, सुपर कार चलाऊं, ऐसा तो है नहीं देखो कि मैंने कभी नहीं सोचा गाड़ी के बारे में। हर बंदे का, हर लड़के का, देखो लड़कियों का पता नहीं, लड़कियों को भी होती होगी फैसिनेशन, लेकिन स्पेशली लड़कों की तो यार ऐसे एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, पूरी फैसिनेशन होती है कि वो सुपर कार ले। तो गाइस मेरी भी वही फैसिनेशन थी, और आज मेहनत करके, काम करके, हार्डवर्क करके हर सपना पूरा हो सकता है। तो ऐसे ही काम करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो और अपने सपने पूरे करते रहो। बाकी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे, मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपने इंस्टाग्राम ऑडियंस से अपील करी है, यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी स्पेशल अपील कर रहा हूँ भाई, बिग बॉस का फिनाले है तो यूट्यूब की ट्रॉफी आनी चाहिए यूट्यूबर के घर पे। तो भाई एल्विश यादव को सपोर्ट करो, जाके जियो सिनेमा के ऊपर एल्विश यादव को वोट करो, जो भी सिस्टम आर्मी के फैन है, एल्विश यादव के फैन है, एल्विश यादव के लिए वोट करो और एल्विश को जिताओ बिग बॉस। और जो मेरे भाई पांडा गैंग के फैन है, जो फुकरा इंसान के फैन है, वो फुकरा के लिए वोटिंग करो जियो सिनेमा ऐप के ऊपर, वो फुकरा इंसान को जिताओ। एल्विश या फुकरा में से दोनों में से कोई जीतना चाहिए, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कोई भी एक भी वोट लेके जाए, सारी वोट जानी चाहिए या तो एल्विश को या फिर अपने फुकरा को, दोनों को वोट करो, दोनों को वोट करो, दबा के वोट करो, एल्विश को भी फुकरा को भी। यूट्यूब की ट्रॉफी आनी चाहिए हमारे घर पे, चाहे बिग बॉस एल्विश यादव जीते या फिर बिग बॉस फुकरा इंसान जीते, मैं ये सोचूंगा बिग बॉस मैं जीत गया, क्योंकि दोनों अपने भाई है, दोनों यूट्यूबर भाई है, ये ट्रॉफी अपनी कम्युनिटी से बाहर जानी नहीं चाहिए। कोई नहीं मुकाबला, फ्रॉम द बॉटम निकला टॉप, डाला पैसा तो मुनाफा, मापे गाली सीधा लाफा, और रैप नाका सुनते बांग्ला मुझे भाता, मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता, मैं खुद खावे पे स्क्रीन हो या टीम्स, अब पूरा कामयाब मैं। वोट फॉर एल्विश यादव, गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साहब है, ओ तेरे शहर महल का बाजे राव साहब का, चोरी पे इंसान का, गद्दी आर पार का, बिग बॉस एल्विश यादव।
हो जीतना चाहिए। हाय विनय, मेरी मनपसंद का गाना चला दिया तूने तो। ये गाना कितना सुनते थे पीछे, है ना? वही बात कहा से गबरू जवान शौकी खाने और पीण के देख लिए जन्नत का टच फील हो है खेता वाली नालियां में पैर तू डुबो के और नाक ना चटाइए कदे भी देसिया में कमी देख के रूप कैसे दे रहा मारी ताती माला फेर पवे आज काल दूध में तो पानी घड़ा के रे उत्ते तरह चील में एक देखिए धोती कुर्ता में दाता का स्वैग देखिए। भाई फुल स्वाद ले रहा हूँ सुपर कार के। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही है, जब मेरी वाली गाड़ी आएगी तो कितने स्वाद आएंगे, जब इसमें इतने स्वाद आ रहे हैं तो उसमें कितने स्वाद आएंगे भाई। ये देखो अभी अब बोझ रहे हैं भाई, मेरे को तो पता क्या लग रहा है, सुन तो, मेरे को लग रहा है गाड़ी में सोएंगे गद्दा डाल के। गद्दा का डालेगा टू सीटर में ये बात भी है, बैठे बैठे सोएंगे फिर। इसी को फैलाना पड़ेगा सीट को, इसमें जितना सोया जाए उसमें सो जाओ फिर। अभी भाई गुड़गांव के अंडरपास में पहुंच गए हैं, सारे गाड़ी वाले मुड़ मुड़ के देख रहे हैं सारे। आवाज सुना देना थोड़ी सी, पॉसिबल है तो आवाज सुनाऊं। यहाँ पे वैसे भीड़ है गाड़ियों की, पर मैं ट्राई करता हूँ, देखो। हेलो भाई, अंडरपास में आवाज, थोड़ी गाड़ियाँ ज्यादा है, भीड़ है, इसलिए मैं अच्छे से पेल नहीं पा रहा। ये मेरे पीछे गुड़गांव की फेमस रोड, और यहाँ सुपर कार चलाने का तो अलग ही मजा है गाइस। बस आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है, वरना तो मैं आज इसकी आवाज सुनाता, मेन जो इसकी आवाज है ना वो मिस कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज गाड़ियाँ ज्यादा है रोड पे भाई। भाई एक तो मैं गाड़ी को ज्यादा तेज चला नहीं पा रहा हूँ, उस वजह से जो धूप है ना, गर्मी है, वो ज्यादा लग रही है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। तो हम कर लेते हैं इसको कन्वर्ट, और अब अपनी खुली छत को हम कर देते हैं, छत बना लेते हैं। तो वो होता है ना, हर बंदा चाहता है उसके सर पे छत हो, तो हमने चाह हमारे सर पे छत हो, और हमारे सर पर छत आ गई भाई। होगी बंद तो अभी चलते हैं अपना वापस। कहाँ, क्यों भाई? पता है क्या, अभी मैं इसको चला के ना थोड़ा सा उब गया। पूछ क्यों? तो अभी घर जा रहे हम? नहीं, फिर पूछ क्यों उब गया? क्यों? क्योंकि यार चंडीगढ़ गए, आना जाना कितना हो गया होगा हमारा, 600 किलोमीटर। हाँ 600 किलोमीटर तब चलाई, गुड़गांव में भी चला ली, और खूब चला ली मैंने एक तरीके से। और तुझे पता है जो मेरे वाली सुपर कार है वो, तू जानता है मैं क्या ले रहा हूँ। यस, बस मैं ये है कि ऑडियंस को नहीं बता सकता, क्योंकि भाई गौरव भाई ने मना कर दिया, कह रहे अभी मत बताओ वरना मैं डिलीवरी में हल्का काम करूंगा अगर तुम अभी बता दोगे तो। तो भाई इसीलिए मैं इसको अभी वापस दे रहा हूँ जाके, अभी वहीं जा रहे हैं सुपर कार के शोरूम। पागल है, हम तो आए कहाँ थे और कहाँ लेके जा रहा है भाई। मुझे पता है हम ऐसे ही आए थे घूमने के लिए, गुड़गांव घूमेंगे, गुड़गांव दर्शन करेंगे, पर अभी मेरा बदल गया मूड, मेरा दिमाग बदल गया। अभी हम जा रहे हैं सुपर कार के शोरूम, और मेरे को कोई और गाड़ी चाहिए यार, मेरे को, मैं बोलूंगा भाई अब दूसरी लेके आएंगे हम। मैं कहूंगा मेरे को कोई 2 करोड़ तक की गाड़ी दो हो, और क्या यार, इसके मजे ले लिए, अब कोई 2 करोड़ तक की गाड़ी के मजे लूंगा भाई। इतने मेरी गाड़ी की डिलीवरी नहीं हो रही, बाकी गाड़ियों को ट्राई कर लो ना थोड़ा। अरे अंकल जी आप बाइक पे मत करो ऐसा यार, आपको चोट लग जाएगी, सुपर कार को तो क्या है हर दूसरे दिन ले आते हम ऐसा कुछ नहीं है भाई, गाड़ी बहुत महंगी है यार, इस पे अगर स्क्रैच भी लग गई ना, ऐसे दिल में दुख होगा, ऐसे अंदर डीप ऑफ माय हर्ट ऐसे दर्द होगा बिल्कुल। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ फ्यूजन कार्स पे, ठीक है, 2 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए। अभी देखेंगे भाई हमें 2 करोड़ की गाड़ी देंगे नहीं देंगे, लेकिन एक अपील आप सबसे सारे फैन पेजेस यार, अच्छे अच्छे एडिट्स बनाओ, मुझे नहीं पता काम हो जाना चाहिए भाई। तो गाइस अभी गौरव भाई बिजी हैं, मैं किसी कस्टमर से डीलिंग वगैरह चल रही है, तो अभी मैंने मेरे को एंडेवर खड़ी हुई थी यहाँ पे, अभी एंडेवर की चाबी उठाता हूँ और इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके चलता हूँ। एंडेवर की चाबी, चलो भाई बाहर चलते हैं, थोड़ा घुमा के लाते हैं एंडेवर को। गौरव भाई कितनी देर में फ्री हो जाएंगे? गौरव भाई का नहीं पता होता, वो कस्टमर अटेंड कर रहे हैं अभी, टाइम लगेगा ना, इतने एंडेवर के मजे लेके आते हैं गाइस। आ जाओ भाई, बाय ब्रो, बाय ब्रो। तो गाइस चलो अभी एंडेवर की टेस्ट ड्राइव, क्या कह रहे हो भाई? कह रहे हो व्लॉग में ले लो, ले ले, आगे भाई व्लॉग में आ गए तुम, ठीक है राजी, हैप्पी हैप्पी। गाइज आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर एक्सयूवी के टाइम पे, जब मैंने एक्सयूवी खरीदी उस टाइम पे, अगर एंडेवर बंद ना हुई होती ना फोर्ड की कंपनी इंडिया में, तो मैं ये एंडेवर ही लेके आता,
और मेरा मन भी यही था कि मैं एंडेवर लेके आऊं, पर जिस टाइम मेरे को गाड़ी लेनी थी जब फोर्ड होगी इंडिया में डिसकंटिन्यू, तो मेरा थोड़ा सा एकदम से ऐसे हो गया यार अब कैसे लूँ, सेकंड हैंड लूँ या ना लूँ। फिर मैं एक्सयूवी ले आया, पर ये मेरी पसंदीदा गाड़ी है एसयूवी सेगमेंट की। गाइस अभी मैं बन गया हूँ वाई सिटी का प्लेयर, अभी ऊपर वो लेने जा रहा हूँ मैं, सुपर कार खड़ी होती है ना यहाँ पे, एक मिशन होता है ऊपर, एक गाड़ी मिलती है एक बाइक मिलती है, वो पीसीजी 300 600 ऐसी कोई। तो अभी फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर पे जा रहा हूँ गाड़ी। देखियो भाई बच गए, दिखाइयो क्या आगे पीछे ले सच में, देख एक बार उतर के तो देख। देखते हैं गाइस क्या है, क्या पड़ा है भाई आगे। ये था भाई ये इतनी, हाँ अरे वैसे कुछ होता नहीं, इतना सा गैप है वैसे, हाँ कुछ होती नहीं। अबे मैं एकदम से पेलम पेलाया, वो तो दिख गया मुझे इतना सा, मैंने कितना गैप था यार, बच गए बिल्कुल भाई है। ये पहला मिशन था, पहला मिशन है भाई। तो गाइस एंडेवर की टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं, एंडेवर भी अच्छी है भाई आपकी, पर मेरी ना एक डिमांड हो रही है, जैसे कल विनय की डिमांड हो गई थी पूरी, आज मेरी डिमांड है मेरे को 2 करोड़ तक की गाड़ी दो यार टेस्ट ड्राइव के लिए। 2 करोड़ तक की गाड़ी टेस्ट ड्राइव तक के लिए, यानी लैम्बो हो गया, इट मीन्स लैम्बो शैम्बो 2 करोड़ में तो वही आएगी। जी वैगन क्या है? जी वैगन ये संजू जी की जी वैगन है, भाई है हमारे, वो कल कहीं गए थे। संजू भाई अपना भी भाई है भाई, जानता हूँ मैं संजू को, तो उसको वो उसकी गाड़ी के ऊपर 20-25 बंदे चढ़ गए। अच्छा इसलिए आ रखी है? हाँ इसलिए आई है, मुझे लगा यार मेरे लिए मंगवाई थी यार। मैं आपके लिए भी मंगा देना पक्का पक्का, कोई अच्छी गाड़ी देता हूँ भाई को कि पता चले कि उसकी ड्राइव कैसी है। तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है? फिलहाल अभी नहीं अवेलेबल, अभी तो सबसे महंगी गाड़ी एक ही अवेलेबल है जो भाई ने बुक करा दी है, जो जब पर्दा उठेगा तब दिखेगा। फिर तो मैं क्या ही लूँ यार, जो सबसे महंगी गाड़ी है वो बता रहे हैं, अभी आप ही ने बुक कराई हुई है, बुक हो चुकी है, छुपाई हुई है। मैं तो इतना एक्साइटेड था कि दिखा दू, इन्होंने मेरे कान भर दिए, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं कल बुक कराई है, मैं आज नया फोल्ड 5 भी ले आया। आए तो भाई ये जो अच्छा मैं बैग भर के पैसे दिए थे उसका इलाज हो गया? यस हम तो चौड़े होके कह रहे हैं इतनी कमाई आई है भाई से। सही है भाई, देख रहे हो उस ये खरीदने के बाद पैसे बच गए? थोड़े बहुत बचे अभी भी, चल जाएगा एक महीने का खर्चा चल जाएगा चोरों का। वो ले लो ना आप एक घड़ी ले लो, चेन तो है ही ऑलरेडी, एक घड़ी ले लो। घड़ी ले लेते हैं आज। चलो जी कल आपको हम मिलेंगे व्हाइट राडो के साथ। वाओ बाकी गाइस जो 2 करोड़ की गाड़ी लेनी थी ना मैंने, अभी ये बता रहे हैं कि सबसे महंगी तो मेरी वाली है जो बुक कर दी, बाकी जिस दिन आएगी प्रॉमिस है उस दिन टेस्ट ड्राइव जरूर दूंगा, ये मेरा बात है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। गौरव भाई आपकी SLK चला ली, चंडीगढ़ गए बहुत मजा आया, अब मुझे कोई 2 करोड़ की गाड़ी दो, दो खोके की, दो बक्से की, दो बक्सा क्या बात है, 50 तोला तो 2 बक्सा पक्का, जिस दिन आएगी पलट के कॉल करूंगा कि आ जाओ यार पक्का। हाँ ये प्रॉमिस, तो देखो अभी सबसे महंगी गाड़ी ये, हाँ प्रॉमिस हो गया भाई, सबसे महंगी गाड़ी वो आपने बुक कराई, जो सब्सक्राइबर्स को भी राज है अभी जो खुलेगा, लेकिन जिस दिन 2 करोड़ या उसके आसपास भी कोई आएगी तो भी पहले कॉल आप ही को आएगी। चलो भाई डन हो गया। तो गाइस 12 बज गए हैं और आज है बल्लू का जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे बल्लू। थैंक यू भैया। अच्छा मैं तेरे लिए गिफ्ट है मेरे पास तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ क्या? इसने तो बनाया नहीं कुछ, तेरा केक वेक भी नहीं मंगाया, नहीं मंगाया ना, अब क्या क्या मंगा रहे भाई? ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक गिफ्ट। थैंक यू भाई, अब तो बढ़िया लगेगा पहन के। क्या दिया रचे? देख क्या बात है, ये मेरी ब्लैक टी शर्ट पे अच्छा लगेगा वैसे, इस पे भी सही लग रहा है, शीशे में देख खुद को जाके। ओ लड़के शीशे में देख कैसा लग रहा है बता। अच्छा लग रहा भाई। अच्छा लग रहा है ना? हाँ भाई थैंक यू। ओके कांग्रेचुलेशंस। कितने साल का हो गया? मैं हो गया 1-8 का। नाबालिग से बालिग हो गया? बालिग हो गया मैं। चलो बधाई हो, अब मेरा लाइसेंस बनेगा, मैं वो स्कूटी लेके आया करूंगा। गाड़ी ले यार अब स्कूटी क्या। हाँ। एक बारी में सारे बजा दे, चल एक बारी में। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। तो गाइस सबसे पहले आप लोग जाओ जियो सिनेमा पे और बिग बॉस की वोटिंग लाइन से फिनाले की जाके वोट करो एलविश यादव को, सिस्टम हैंग कर दो गाइस, एलविश यादव के साथ ट्रॉफी गुड़गांव आनी चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना? अभी के अभी जाके वोटिंग कर दो। बाकी गाइस बहुत सारी कमेंट आई थी RRR सेगमेंट क्यों नहीं किया, तो भाई कल व्लॉग के एंड में देखा था ना कैसे डेड हो रखा था मैं, 2 दिन से सोया नहीं था, 23 हो गया, मतलब पता ही नहीं मुझे कब सोया कब उठा, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए सेगमेंट नहीं आ पाया गाइस। और कभी कभी ऐसा हो जाता है देखो, क्योंकि व्लॉग के एंड में वो सेगमेंट बनाना होता है,
तो कभी कभार इतनी थकावट हो जाती है कि भाई नहीं हिम्मत होती। एक दो बार ही तो मिस हुआ है, वरना तो डेली आता है। तो अच्छी अच्छी कमेंट करा करो आप, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, और लोग बोलते हैं कि हम इतने दिन से कमेंट कर रहे हैं आप रिप्लाई नहीं कर रहे, वो रिपीटेड क्वेश्चंस है यार। उन क्वेश्चंस का ऑलरेडी मैं पुराने व्लॉग्स में रिप्लाई दे चुका हूं, तो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस का जवाब देना सही नहीं है ना यार। तो भाई नए नए अच्छे अच्छे सवाल पूछा करो। तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेगमेंट RRR को। पहला सवाल हमसे पूछा है यश अवस्थी ने, रचित भैया सुपरकार की डिलीवरी कब है? सो एक्साइटेड गाइस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द डिलीवरी ऑफ अवर सुपर कार, लेकिन उसकी डिलीवरी के लिए भी टाइम है भाई, थोड़ा टाइम है अभी। जैसे ही होगी आपको पता तो लग ही जाएगा, डेली व्लॉग्स देखते हो ना सुबह 11 बजे, तो बस आपको पता लग जाएगा, अभी थोड़ा टाइम है। पर क्योंकि छोटी मोटी डिलीवरी नहीं करनी यार, ग्रैंड डिलीवरी है, ऐसी डिलीवरी, ऐसी डिलीवरी, मेरे वर्ड्स को लिख के ले लो, ऐसी डिलीवरी होगी सुपरकार की, पूरे यूट्यूब पे पूरे सोशल मीडिया पे कहीं नहीं देखी होगी। अगला सवाल हमसे पूछा है रचित भाई, सुपरकार की डिलीवरी की वीडियो अपने मेन चैनल पर डालोगे क्या? उम्मीद तो पूरी पूरी है, पूरी पूरी उम्मीद है कि मेन चैनल पे डालूंगा सुपरकार की डिलीवरी की वीडियो। अगला सवाल हमसे पूछा है क्रिएटिव सिस्टर्स ने, रचित भैया आप राजस्थान कब आओगे? यहाँ शूटिंग के लिए बहुत अच्छे प्लेसेस है, इन्वाइट करो, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आप बुलाओगे तो जरूर आएंगे। अगला सवाल हमसे पूछा है वंशिका खुराना ने, रचित भैया आपके बचपन में फेवरेट कार्टून कौन सा था? प्लीज रिप्लाई माय मैसेज रचित भैया, थैंक यू। और मेरा फेवरेट कार्टून था भाई, दो थे मेरे फेवरेट कार्टून, एक तो था रिची रिच और दूसरा था पोपाय द सेलर मैन। ये मेरे टाइम के भाई बहुत फेवरेट थे, पूरा दिन मैं यही देखता था और घर वालों से पिटता था, मम्मी से स्पेशली, कि सारा दिन कार्टून क्यों देखता है। पांचवा और आखिरी सवाल हमसे पूछा है हतीब राशिद ने, भाई आपने यूट्यूब पैसों के लिए स्टार्ट किया था या शौक से, और आपकी फर्स्ट इनकम क्या थी? प्लीज रिप्लाई मी। भाई मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ शौक से, मैंने कभी भी पैसों के लिए यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा, और ना मेरे मन में उस टाइम और ना आज के टाइम कभी ये हुआ कि मैं पैसे कमाऊं यूट्यूब से, या कितने पैसे आएंगे, पैसों के लिए वीडियो बनाऊं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अपने पैशन को फॉलो किया था और सिर्फ भाई मेहनत करता गया, पैसों के लिए कभी भी काम नहीं किया यूट्यूब के ऊपर। ये तो भाई भगवान की कृपा है, आप अच्छे काम करो, मेहनत करो, भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं हर तरीके से। और पहले यूट्यूब की इनकम आई थी मेरी 16,000 रुपए। तो चलो गाइज अभी हो गया मेरा सोने का टाइम, सोने से पहले व्लॉग एडिट करूंगा और फिर सोने जाऊंगा। तो चलो कल सुबह 11 बजे मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करे बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके अच्छे अच्छे RRR सेगमेंट के लिए सवाल देना, और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे ख्याल से 9,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं अभी, जल्दी से आप 1,000,000 करवा दो, ठीक है ना, अपनी सुपरकार आ जाएगी बहुत जल्दी। चलो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बाकी कल सुबह मिलते हैं 11 बजे नए व्लॉग के साथ। जय श्री राम। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਾਰਾ ਵੋ ਜੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਜਾਚੀ ਦੀ।